सैनिकों का हौसला बुलंद है। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहन। पीछे वाले लोग, आप लोग ठीक ठाक हैं? कोई तकलीफ वकलीफ है? ठीक है? ये बताइए, एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर व्यक्ति को, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मतलब जिनकी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी है उनके लिए नहीं, ये 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं घरों में? भाई मिल रहा है तो हाथ उठाओ, 5 किलो वाला राशन मिल रहा है कि नहीं? पीछे वाले लोग, मिल रहा है, बहुत अच्छा। जिन लोगों के पास आवास नहीं था उनको आवास मिल गया है कि नहीं मिला है? अच्छा अच्छा, तब तो मैं पूछने बंद कर दूं। तब तो एक को नहीं मिलेगा तो कह देंगे हमको मिले नहीं है। सबको, जिनके पास आवास है उनको आवास नहीं मिलेगा, जिनके पास बिल्कुल आवास नहीं है उन्हें ही आवास मिलेगा। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के हर गरीब की चिंता की है। जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास मुहैया कराया है। आपने जो हाथ उठाया था, जरा आप आ जाइएगा, आपसे मैं बात करूंगा कि आपके यहां आवास है कि नहीं। नहीं, यदि गलत आपने बोला होगा तो ठीक नहीं है, आप आइएगा, आपसे मैं बात करूंगा। और हर व्यक्ति को कैसे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सके, इतनी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और जिन लोगों को आवास नहीं है आवास, जहां शौचालय नहीं है शौचालय, जहां पर नल के माध्यम से जल नहीं मिलता है उनको जल नल के माध्यम से देने की व्यवस्था, बिजली जहां नहीं पहुंची है उन स्थानों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था, यहां तक कि आयुष्मान भारत कार्ड, मैं समझता हूं यहां सभी लोगों का तो नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड होगा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है एक साल में, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और 5 लाख रुपए में यदि आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो आगे भी 5 लाख रुपए तक का फिर से आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड योजना। आज कुछ लोगों को आयुष्मान भारत, नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को जो बजट है वो यहाँ पर पास किया जाएगा और उसी के तहत यहाँ पर 1 फरवरी को हमारे भूतपूर्व सैनिकों के हक में ORP पर कोई बड़ी जजमेंट है, कोई बड़ी गुड न्यूज, कोई बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है केंद्र सरकार द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार यहाँ पर बजट जारी किया गया था उस वक्त ORP पर काफ़ी बड़ा जो ऐलान था कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कहा था वो सरकार ने करके दिखाया था। लेकिन अब की बार अगर यहाँ पर 1 फरवरी को बजट जारी होगा तो अगर वो जो बजट जारी होगा अगर उसी वक्त ORP पर कोई बड़ा ऐलान हो जाता है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक काफ़ी लंबे समय से जो अपना धरना प्रदर्शन, जो अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए जंतर मंतर पर, अगर उनके हित में कोई फैसला आ जाता तो फिर हमारे भूतपूर्व सैनिकों की 1 फरवरी को बल्ले बल्ले यहाँ पर हो जाएगी, उनकी जो डिमांडें हैं शायद वो हमारे पूर्व सैनिकों की लागू हो जाए। तो 1 फरवरी को जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ORP पर काफ़ी बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या 1 फरवरी को हमारे पूर्व सैनिकों के हक में फैसला आएगा या फिर सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोटों के चक्कर में हमारे पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रही है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। योजना के अंतर्गत यहाँ पर कार्ड मुहैया कराया जाएगा और जिन लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है, धनवान लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, जो गरीब हैं ऐसे लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलेगा। वैसे तो मैंने देखा है कि जिनके पास पैसा होता है खाते कमाते
और बहुत अच्छा पहन होन कर भी आते हैं, वो भी कहते हैं हमको भी चाहिए। ये कैसे होगा? हमारी सरकार यह गरीबों की चिंता कर रही है, पूरे देश की चिंता कर रही है। देश का मस्तक मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद